बताया तो नहीं किसी को। ओह माय गॉडनेस, मैं इस्लामाबाद जाऊंगी इसके साथ। नहीं गई तो तला से पूछूंगी पहले क्या पेनल्टी है फिर। तक स्टोरीज में देखी थी, अब हम लाइव तो देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। इतने दिन से आपसे कोई रابطہ नहीं हुआ, बस ऐसे ही कुछ मोमेंट्स होते हैं ना कि आप इंजॉय करना चाहते हैं इस तरह से कि उनका मज़ा ख़राब ना हो। तो हया इतने अरसे के बाद आई है, तलहा और हया। तो हमने जो किया वो मैं आपको हाल ज़बानी बता देती हूँ, लेकिन उस वक्त वो ऐसा टाइम था कि उन प्रेशियस मोमेंट्स को हम इंजॉय करना चाह रहे थे, तो ना हया ने व्लॉग किया ना मैंने किया, और बस हम उसी तरह से इंजॉय करते रहे। हुआ ये जी कि मैं गई लाहौर 7 दिन के लिए अपना स्पेल करके, शूट करा के, फिर मैं कल वापस आई दोपहर में। कल जब मैं दोपहर में वापस आई, हया 3 दिन से आई हुई थी तो वो मुझे मिस कर रही थी, रोज़ कहती थी जल्दी आए मम्मा जल्दी आए। तो मैं जब फाइनली पहुंची तो मैं वहाँ पे सोई भी नहीं हुई थी, इतना कोई एंग्जाइटी में मेरी ट्रैवलिंग हुई है, क्योंकि शूट वालों ने मुझे बताया नहीं कि गाड़ी आपको एयरपोर्ट की ड्रॉप करेगी। मैं शूट वालों की गाड़ी का वेट करती रही, होटल वालों ने मुझे नहीं बताया कि हम ड्रॉप करेंगे, कंफ्यूजन ही रहा। मैंने फिर ड्राइवर को जब कॉल किया बिल्कुल एंड टाइम पे, तो उसने कहा मैडम आपको तो होटल की गाड़ी ड्रॉप करेगी। होटल की गाड़ी में हम निकले तो रास्ते में रश, और वो दूर था क्योंकि इस दफ़ा मैं गुलबर्ग में ठहरी थी। तो वहाँ से जब हम पहुँचे एयरपोर्ट तो इतनी लंबी लाइन, करते कराते मैं कोई 30-35 मिनट पहले काउंटर पे पहुंची, तो एयर ब्लू से मैं आ रही थी वापस, एयर ब्लू का काउंटर क्लोज़, मेरी तो जान निकल गई, कोई भी नहीं था काउंटर पे। फिर मैंने जब सरीन एयर का देखा तो वहाँ पे एयर ब्लू का यूनिफॉर्म मुझे नज़र आया, तो मेरी जान में जान आई। तो खैर मुझे मिल गया बोर्डिंग कार्ड। खैर जब मैं वापस आई, हया के साथ बैठी, हमने फिर प्लान किया कि चलते हैं ईमान को एकेडमी छोड़ते हैं लेते हैं। तो जब ईमान को एकेडमी से पिक किया तो हया ने कहा मुझे ज़मीर अंसारी के कबाब खाने हैं, मैंने कहा वो तो क्वेटा पराठे के साथ हैं। तो सारे काम साथ हुए। ईमान को जब पिक किया तो उसने कहा मुझे गोलगप्पे खाने हैं, गोलगप्पे खाए। उस दिन हमने इतना इन्जॉय किया, फिर उन्होंने पटाखे लिए, पटाखे फोड़ते रहे, वो जो छोटे छोटे आजकल बहुत आम बिक रहे हैं, पटिक पटिक, तो वो बच्चे बन गए। तो वो मुझे कह रहे थे कि मम्मा आज तो आप हमारी यस मामा बन गई हैं, जो हम कह रहे हैं वो कर रही हैं। मैंने कहा हाँ, एक टाइम ऐसा भी आता है, एक स्टेज ऐसी भी आती है कि दिल करता है कि बच्चों की हर चीज़ पे यस करें, बिकॉज़ यू नो कि दे आर रेडी नाउ, यू नो दे आर कैरेक्टर्स एंड एवरीथिंग इज़ डिवेलप्ड सो वेल अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हुआ, अभी मैं कहाँ हूँ, दैट्स अ क्वेश्चन। एंड दी आंसर इज़ कि मैं आई हूँ एयरपोर्ट। अनिया ने कल मुझे कॉल किया और मुझे पूछा कि आप मुझे कितना मिस कर रही हैं, मैंने कहा हद से ज़्यादा, मेरे अंदर रूह में तुम्हारी कमी हो गई है। तो हंसना शुरू हो गई, हार्ट दिखा रही है मुझे यूँ करके। तो मैंने कहा कि आ रही हो कब, कहती है कल। तो अभी मैं उसे एयरपोर्ट लेके आई हूँ, सब चीज़ों को ठिकाने लगा के कि किसी को पता ना चले। ईमान को लगा के आई हूँ कि याया के साथ सीक्वेंस खेलो डैडी के साथ। तो मैं एयरपोर्ट आई हूँ, अनिया बस निकलने वाली है, मैंने कहा पहले मैं आपसे बातें कर लूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी टर्मिनल उसको लेने, उसका सामान आ रहा है। तो बस मैं पहुँच गई हूँ, तो चलें उसे रिसीव करते हैं और घर जाके सरप्राइज़ देते हैं और आपको दिखाते हैं। आज फिर हमने सब ने डिनर पे जाना है, कोलाची में बुकिंग कराई है, तलहा को और हया को लेके जाना है। तो वो लोग चाय पीने गए हैं, मैंने कहा मैं भी आती हूँ। तो बस यहाँ से जब ले जाएंगे तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, सो लेट्स गो। आप लोगों को ये टाइम याद है, कितना अच्छा टाइम होता था। ख़त आते थे रिश्तेदारों के, इतनी खुशी होती थी, चूमते थे, बार बार पढ़ते थे। अब वो वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं क्योंकि अब हर चीज़ एक फिंगर टिप पे अवेलेबल है, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस। तो उस टाइम का अपना एक मज़ा था। मेरा दिल करता है कि जब मैं आऊँ एयरपोर्ट तो बच्चों को रिसीव करने टर्मिनल आऊँ, उसका मज़ा ही कुछ और होता है कि जब वो निकलें तो सामने खड़े हों आप। तो बस इसी फीलिंग के साथ हम हियर, और मुझे लग रहा है मैं जैसे ही पहुँचूँगी अनिया बाहर आ जाएगी। बताया तो किसी को बाद मेरे नहीं, अच्छी बात है, इतने दिन बाद आई है, मुझे लगा आप नंगे पैर हैं।
नहीं भाई, ये मुझे भैया ने दी है चप्पल, छुपी हुई थी ना आपके ट्राउजर के नीचे। बहुत गर्मी है यहाँ पे भाई, स्वेटशर्ट तो आप तो सर्दी से तंग थी, ये तो अच्छा प्लेजेंट मौसम है सर्दी से, लेकिन ये तो गर्मी है। ओ कमाल देखा है, इतना सामान, ये है मेरा सामान बस। सीरियसली लेट्स गो जान, आई हैव द की डार्लिंग। हाँ जी हाँ जी, बेला मुझे पता चल गया, यू आर एक्साइटेड। मेरा सर आंटी चिल, आंटी चिल, ये ब्लू ड्राई कर रही थी। गर्मी में आपने उनको इतने स्वेटर नहलाया था ना, सर्दी लग जाती जी। मैं कल स्कूल नहीं जा रही, मैं कल स्कूल नहीं जा रही। नो, हाँ गाड़ी में ये लो चाबी। अच्छी वाली सरप्राइज दी, लाई नहीं हो आपके पास तो इतना स्टॉक होता है। नहीं मैंने लाई स्प्रिंग से लूंगी। ये हया के जो इन्होंने खा लिए दोनों ने, मक्खन भी खत्म हो गया था, खा दी मक्खन भी खत्म। हाँ और लैक्टोज फ्री दूध मेरी बेटी के लिए, ब्लोटिंग हो जाती है सर, डायरिया, बचपन की यादें, हूपिक्स। वैसे बाजी ने कल बताया सही था, कहती अन्य पहले आएगी, उससे पहले आएगी। वो तो मैं पता है, वो तो मैंने तो सबको ही पता था मैंने, तो उससे तुम्हें अंदाजा तो नहीं हुआ कि आज आ रही है। नहीं नहीं ये अंदाजा बिल्कुल नहीं, मैं तो हैरान हूँ, क्या मैंने ये तो बाकी दिन करा है, ये आई है किधर है। चलें जी, वी आर ऑल रेडी टू गो फॉर डिनर। अनिया मेरे लिए जोड़ा लाई है, ये मैंने पहना है, इसका पूरा लुक जो है ये इसके साथ मोटे कपड़े की शॉल टाइप की कुछ है, और इस पर ये इस तरह से एम्ब्रॉयडरी है बाजू पे। एंड मिस्टर सिद्दीकी इज़ रेडी टू दिखाएं तो सही, इधर वो करें। वाह जी वाह, थैंक यू, यू लुक नाइस। पीछे से शर्ट आपकी ठीक करनी है ज़रा बस, बाकी ठीक है। शर्ट को बाहर निकाला, गिफ्ट आया मेरी बेटी लाई है, हम दोनों ने ट्विनिंग करनी है, उसने वाइट पे ब्लैक लिया, मेरे लिए ब्लैक पे वाइट लाई है, तो शी सेड जब हम फेड अप हो जाएंगे तो हम उसको चेंज कर करके पहनेंगे, राइट? यस, तस्वीर लो। अच्छा ये नहीं है, कैसे हाथ पे लगाओ, अच्छा अच्छा घड़ी को दे दो। आपने घड़ी पहनी है अपनी? नहीं लाती हूँ, घड़ी की जरूरत नहीं है। क्या पापी इतना पाला कौन होता है? पापी ये है जाकी बेस्ट फ्रेंड भी ले।
आप ले रहे हैं लड़कियों? आ जा तीनों चले। क्या बताए मेरी फूल झड़िया, चौथी फूल झड़ी अंदर है मेरी फूल झड़ी। This is what I want to show you. I have open kitchen and huge open kitchen. आया अंदर बैठी हुई है यहाँ। Hello, ओए ओए, birds देखो पीछे। Oh my goodness. जैकेट ला रहा हूँ मैं गाड़ी से, जैकेट गाड़ी से ला रहा हूँ, और ये एक ब्लैंकेट भी है अगर आप लोग चाहिए। ब्लैंकेट ले लो ना, जैकेट ना लो, जैकेट की जरूरत है। अच्छा, तो यहाँ के लिए तो रखी थी गाड़ी में। अच्छा, क्या खाओगे? मंगाते मंगाते माँ हाथ अंदर करे, बारिश थोड़ी हो रही। आप लोग इसकी हवा लग रही है परों की, उनके मेरे हाथ। माँ मुझे आपके लिए बहुत डर लग रहा है। How did you know she's in the toilet? इमार टॉयलेट। अच्छा। Iman, give me glass, please. It's orange. I want something glossy. मैं इस्लामाबाद जाऊंगी इसके साथ। नहीं गई तो तला से पूछूंगी पहले। क्या पेनल्टी है फिर? तला ने मुझे बोला मैं जा सकती हूँ। आई थॉट 10 दिन बाद आ रही है, फिर मैं कैसे जाऊंगी? मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ। आप भी जाओ भाई। मेरी नहीं। डैडी तला ने बोला है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी ज़बरदस्त सा नाश्ता करके फारिग हुए हैं। आई नो वेयर शी इज गोइंग। आई नो टू। यस। बहुत अच्छी सुबह हुई, उठ के मैं ईमान को लेके आई, नबीहा को लेके आई, स्प्रिंग से अन्या के कॉफ़ी पॉड्स लेने थे वो लिए, और वो सब लेके अभी घर आए हैं। एंड नाश्ता करके इन बहनों का प्लान है, दिल गो टू हया एंड तलहा और अक्सा और मिकाइल, कहीं जाएंगे, किसी इंडोर थीम पार्क जाएंगे उसे लेके मिकाइल को, और उसके बाद हया यहाँ आ जाएगी। तो रात का कुछ प्लान करेंगे कि हमने क्या करना है। आज मैं पेठा भी लेके आई हूँ स्प्रिंग से, क्योंकि मेरे बच्चों को मेरे हाथ का पेठा गोश्त बहुत पसंद है। गोश्त मैंने लेने की कोशिश की, बट द प्राइसेस वर सो हाई, और 2300 कुछ का था वहाँ पे गोश्त, और कोई इतनी अच्छी चॉइस भी नहीं थी, आपको चूज़ करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा मैं अपने तारिक रोड वाले गोश्त वाले से कहती हूँ कि भाई बना के डिलीवर कर दो, तो मैं उसे पैसे दे दूँगी और उसका गोश्त अच्छा भी होता है। तो बहरहाल हुमैर को कॉल करती हूँ। तो पेठा गोश्त बनाने का इरादा है, जिसकी रेसिपी आप लोगों ने देखी हुई है मेरे चैनल पर। तो जी ये है सारा हमारा 2 दिन का एक जिस्ट कि हमने क्या किया, और आपसे जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिए, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज। फी अमानुल्लाह। एडी को दे दो ये कैल्शियम एक। मम्मी बेला, मिस प्राडा, शनेल, इधर आओ बेला, इधर दिखाओ। शी लुक्स लाइक कितनी फ्लसी है। Bella, Bella, wow, barista कौन है तुम्हारा? ये देखो किसके हाथों की कॉफी पी रही हो। अब तक स्टोरीज में देखी थी, नहीं मैंने इसकी
व्लॉग्स देखी है निया की कुछ ऐसी कॉफी बनाती है पैशन है नहीं वो तो मास्टर है वो मास्टर है वो मास्टर है इनकी मशीनें जो है ना दो बंदों की चार कॉफी मशीन्स है घर में तीन और एक जो यहाँ रखी हुई है दो रखी हुई है यहाँ पे एक नेस्प्रेसो किसकी यहाँ की नहीं है वो तो लेकिन हमजा की जो मशीन है वो प्रोफेशनल वाली है पूरी जो उस पे कॉस्टा शॉस्टा पर रखी है इसी दिन जो है ना मैंने आके हमजा भाई की भी पीनी है कॉफी अभी बता रही हूँ मैं इस्लामाबाद आके फेवरेट काम है कॉफी पिलाना या लॉन्ग इज देयर इज नॉट टू मेनी पीपल उसको बहुत शौक है हां तो जी ये हमारी बच्ची अरीशा माशाल्लाह माशाल्लाह शी इज गेटिंग मैरिड सून और मुझे याद है तीनों बच्चे जुहाब अरीशा फजल ये तीनों मेरा ख्याल है 4-5 साल की एज से मेरे बच्चे बन रहे हैं और जवानी तक लास्ट हमने रोग किया था हमने रोग किया था तुमने आपके साथ मैंने किया है ना टीवी के 2-3 हमने किए हैं न्यू प्रोडक्शन यस 7 न्यू का भी किया है रोग हमारा लास्ट था और बहुत फेमस अभी मैं जब लाहौर में शूट पे थी ना तो आसिफ रजा मीर साहब आए आहद भी था साथ तो मैं आहद को बता रही थी मैंने कहा तुम्हारे अब्बा ने ना अपनी प्रोडक्शन में मुझसे 2 ड्रामे कराए हैं एक में जीप भर के रुलाया इतना कि मैं 2 महीने नहीं निकल सकी उसके असर से और दूसरा उतना ही कॉमेडी किस्सा चार दरवेश मैंने तो एएनबी के इतने ड्रामे किए हैं उनकी प्रोडक्शन के मुझे लगता है मैंने स्टार्ट ही वहीं से लिया था एग्जैक्टली दो कंसेक्यूटिव इतने प्लेज मैंने कर लिए थे उस वक्त उसके बाद फिर मुझे चलें जी सबकी दुआएं अरीशा तुम्हारे साथ हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह लाइफ विल बी वेरी काइंड टू यू एंड यू विल बी वेरी हैप्पी हेल्दी एंड जॉयफुल इंशाल्लाह थैंक यू